खून रहती थी, जिसकी डिमांड थी कि शादी उससे करेगी जो इन्हें बापर्दा रखेगा। एक नौजवान ने इस शर्त पर निकाह नामे के लिए रजामंदी जाहिर की। दोनों की शादी हो जाती है, वक्त गुजरता रहता है, यहां तक कि एक बेटा हो जाता है। एक दिन शोहर कहता है, मैं सारा दिन खेतों में काम करता रहता हूं, खाने के लिए मुझे घर आना पड़ता है, जिससे वक्त का जया होता है, तुम मुझे खाना खेतों में पहुंचा दिया करो। बीवी राजी हो जाती है। वक्त गुजरते गुजरते एक और बेटा हो जाता है, जिस पर शोहर कहता है, अब गुजारा मुश्किल है, तुम्हें मेरे साथ खेतों में हाथ बटाना पड़ेगा। यूं वो बापर्दगी से नीम पर्दे तक पहुंच जाती है और तीसरे बेटे की पैदाइश पर उसका शोहर मुकम्मल बेपर्दगी पर ले आता है। वक्त गुजरता रहता है, यहां तक कि औलाद जवान हो जाती है। एक दिन यूं ही बैठे बैठे शोहर हंसने लगता है। बीवी सबब पूछती है तो कहता है, तू बहुत पर्दा पर्दा करती थी, आखिरकार तेरा पर्दा खत्म हो गया, क्या फर्क पड़ा पर्दे और बेपर्दगी का? जिंदगी तो अब वैसे ही गुजर रही है। वो बोलती है, तुम साथ वाले कमरे में छुप जाओ, मैं तुम्हें पर्दे और बेपर्दगी का फर्क समझाती हूँ। शोहर कमरे में छुप जाता है। औरत अपने बाल बखेरे रोना पीटना शुरू कर देती है। पहले बड़ा बेटा आता है, रोने का सबब पूछता है, कहती है, तेरे बाप ने बहुत मारा है। बड़ा बेटा माँ को समझाता है, अगर मारा है तो कोई बात नहीं, वो आपसे मोहब्बत भी तो करते हैं, आपका ख्याल भी तो रखते हैं। वो समझा कर चला जाता है। औरत फिर रोने की एक्टिंग करती है और मंजले बेटे को बुलाती है कि तेरे बाप ने मुझे बहुत मारा है। मंजला बेटा बहुत गुस्सा करता है और बाप को बहुत बुरा भला कहता है और साथ ही माँ को समझा कर चला जाता है। आखिरकार औरत यही ड्रामा छोटे बेटे के सामने करती है। छोटा बेटा गुस्से से आग बगोला हो जाता है और जोर जोर से गालियां बकते हुए डंडा उठा लेता है और कहता है, अभी बाप की खबर लेता हूं। फिर औरत शोहर को बुलाकर बोलती है, पहला मेरे पर्दे के वक्त पैदा हुआ तो उसने तेरा पर्दा रखा, दूसरा नीम पर्दे के जमाने में पैदा हुआ, तेरी थोड़ी सी लाज रख ली, जबकि तीसरा मुकम्मल बेपर्दगी के जमाने में हुआ तो वो मुकम्मल तौर पर तेरी इज्जत का पर्दा उतारने गया है। तो प्यारे दोस्तों, जब तक औरतें बापर्दा बाहया और दीनदार थी तो घर घर कुतब और गली गली वलियों का दौर था। जब औरतें बेनकाब और बेहया हुई तो चंगेज खान और हलाकू पैदा हुए और हलाकू ने करोड़ों मुसलमानों को गाजर मूली की तरह कटवा दिया। पाक बाज माएं पाक बाज औलाद पैदा करती हैं। और जब पर्दा खत्म हो गया तो मगरबियत का दौर आया और यानियत ने जन्म लिया तो बच्चे भी माओं की मोहब्बत से महरूम हो गए। उन्हें दीन के सही अरकान तो क्या कलमा तक याद न रहा।